एक मुसलमान बम फोड़े और एक हिंदू गुरु यहां बैठकर तुम्हारा लेक्चर सुने। कौन हिंदू कौन मुसलमान, ठप्पा किधर है दिखा। ये फर्क तुम लोग बनाया है और यही गोला का सबसे डेंजर रॉन्ग नंबर है, सबसे खतरनाक रॉन्ग नंबर। इससे लोग मरता है, अलग होता है। यही रॉन्ग नंबर? कौन सा रॉन्ग नंबर? कि सरपराज धोखा देगा, मुसलमान धोखा देता है, कौन बोला था? तो उसने धोखा दिया, इसमें झूठ क्या है? एक मिनट। नहीं नहीं एक मिनट, क्या हो रहा है? एक मिनट रुकिए, देखिए एक मिनट आप रुकिए। तो तुम ये कहना चाहते हो कि सरफराज को लेकर जो भविष्यवाणी मैंने की थी वो झूठी थी? हाँ यही तो कह रहा हूं। तो साबित करो कि मेरी भविष्यवाणी झूठी थी, और न साबित कर पाए तो मेरे चरणों में गिरकर यहां माफी मांगो और सबके सामने स्वीकार करो कि तुमने मुझ पर झूठा लांछन लगाया है। और साबित कर दिया तो? पीके नहीं। तो बेटा ये तुम्हारा, शर्त मंजूर है। जरा ये कैमरे जो हैं वो जगत जननी की तरफ घुमाइए। जगत जननी, हम उम्मीद करते हैं आप हमारे सारे सवालों का जवाब सच सच देंगी। बेल्जियम में आपको एक पाकिस्तानी लड़के से प्यार हो गया था, सच या झूठ? यहां मेरी पर्सनल लाइफ क्यों डिस्कस हुई जा रही है? शुक्रवार को 3:21 पर हमने भविष्यवाणी की थी कि यह लड़का आपको धोखा देगा, और अगले दिन आप मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में गई थी, लेकिन ये लड़का नहीं आया, सच या झूठ? हाँ वो नहीं आया था। कैन वी प्लीज स्टॉप दिस? आप हमारे चरणों में आएंगे या हम अपने चरण लेकर आपके पास आ जाएं? सर पर हाज धोखा नहीं दिया था। पीके जाने दो प्लीज। नहीं सबका बताओ कि वो दिन क्या हुआ था। के प्लीज, बस एक बार हमारी खातिर। मैरिज रजिस्ट्रार की ऑफिस में थी और चिट्ठी आई। सर भराज लेकर आया था? नहीं, एक बच्चे के हाथ भेजी थी। कौनो नाम लिखा था? नहीं। फिर तुमका कैसे पता कि वो सर भराज की चिट्ठी है? हो सकता है कि वो कौन और लड़की के लिए हो। वहां कौन और लड़की नहीं थी का? एक थी ना, जेकर पास बिल्ली थी और वो तुमका बिल्ली थमाए दी थी पकड़े खातिर। बच्चा जौन चिट्ठी लेकर आया था तुमका पहचानता था? तुम उनका पहचानता था? नहीं। फिर उनका कैसे पता कि चिट्ठी तुमको देना है? हो सकता है उनका बोला गया हो कि जेकर पास बिल्ली है वो कोई लेटर दे देना। वो तुमको लेटर दिया, तुम पढ़ा, बाकी तुम सरपराज को फोन में नहीं किया। किया फोन सरपराज को? क्योंकि तपस्वी जी तुम्हारे ब्रेन में रॉन्ग नंबर ठोक दिया था कि मुसलमान धोखा देता है। सरपराज तुमका धोखा नहीं दिया था जग्गू। हाँ हो क्या रहा है भाई, ये कुत्ता बिल्ली मतलब आप कोई भी कहानी गढ़ते जाएंगे और हम यहाँ बैठकर सुनते रहेंगे आपकी बातें। एक मिनट, एक मिनट, सच क्या है हम इसी शो पे पता कर सकते हैं। जागू फोन निकाल, सरफराज को फोन लगा। कम ऑन जागू। दिस नंबर इज नीट इन गब्रुक, दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। और कोई नंबर, फ्रेंड, कॉलेज, समथिंग? कम ऑन जागू। बेल्जियम यूनिवर्सिटी। डायल। Hello. Hello. I actually need to get in touch with one of your grad students, Sarfaraz Yusuf. Oh yeah, he left for Pakistan last year. Contact. Has he left a number? I'm sorry, we're not authorized to give out information. Ma'am, this is really important. Email us your request and I can forward it to Student Affairs. Have a nice day, dear.
पाकिस्तान का नंबर, घर का नंबर। नहीं। Think, जागो डार्लिंग, think। और इधर ही पार्ट टाइम जॉब करता पाकिस्तान एम्बेसी में। पाकिस्तान एम्बेसी में पार्ट टाइम जॉब करता। कॉल द पाकिस्तान एम्बेसी बेल्जियम। कॉपी सर। और यहाँ के स्पीकर्स में डालो। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान एम्बेसी। हेलो, आपके यहाँ एक लाहौर से स्टूडेंट काम करते थे, सरफराज यूसुफ। आपका नाम जगू है?